Miss Bushra Vedar, Mansoor Center in the stadium. She will address us with her opinion. SCDO Chief Guest Honorable Shri M. Koneshwar Singh, Chief Justice of High Court, J&K and Ladakh, esteemed Shri Megha Sirpa, District Development Commissioner, Baramula, and other dignitaries and audience, good afternoon to all of you. Assalamu alaikum. मैं बेटी हूँ तो एक रहमत हूँ, मैं बेटी हूँ तो एक रहमत हूँ, बहन हूँ तो एक दुआ हूँ, बीवी हूँ तो एक रूह का सुकून हूँ, माँ हूँ तो एक जन्नत हूँ, दोस्त हूं तो एक राजदार हूं, क्योंकि मैं रहमते बेमिसाल हूं। जहां हम एक तरफ खवातीन को बाख्तियार करने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हम औरतों के साथ तशद्दुद खत्म करने की बात करें तो वो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि मैं इसी फील्ड से हूं, मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है इन चीजों का कि औरत के साथ कहाँ कहाँ तशद्दुद होता है, किस किस्म का तशद्दुद होता है। औरत के साथ तशद्दुद कहीं भी होता है, चाहे काम करने वाली जगह हो, घर हो, मायका हो, ससुराल हो, गाड़ी हो, रास्ते पर हो, किसी भी किस्म का तशद्दुद है। सिर्फ मारपीट एक तशद्दुद नहीं है, जहनी दबाव भी हो सकता है, माली तशद्दुद भी हो सकता है। जहाँ अगर हम बात करेंगे सखी वन स्टॉप सेंटर की, जहाँ पे केसेस रिपोर्ट होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, अगर हम एज ग्रुप की बात करेंगे 18 साल से लेके 35 साल तक जो उम्र है, उसमें हमारे पास 225 केसेस अभी तक रजिस्टर हुए हैं। मुझे लगता है कि अलग अलग एज ग्रुप्स के साथ अलग अलग किस्म का तशद्दुद होता है, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 2 साल से। 18 साल से 35 साल की उम्र तक जो तशद्दुद होता है, वहाँ शादीशुदा खवातीन भी हैं और कुंवारी लड़कियां भी हैं। कुंवारी लड़कियों की अगर बात करेंगे तो वहाँ ब्लैकमेलिंग के केसेस बहुत ज्यादा आते हैं, और अगर हम शादीशुदा औरतों की बात करेंगे तो वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जिससे मेंटल टॉर्चर होता है खवातीन को। शादी की उम्र है 18 से 35 साल तक की, शादी होते ही कुछ साल तक तो रिश्ता ठीक रहता है, लेकिन कुछ साल के बाद तशद्दुद होना शुरू होता है अलग अलग रीजंस पे। शक्ल अच्छी नहीं है, शादी से पहले तो देख भी लिया होता है, लेकिन शादी के बाद फिर भी वही चीजें बोलनी है, शक्ल ठीक नहीं है, मुझे नहीं पता था इसका नेचर ऐसा है, मुझे नहीं पता था। औरत आएगी तो वो यही बात करती है, अब ये डाउरी डिमांड करते हैं, पहले कुछ नहीं मांगा, बोला हमें कुछ नहीं चाहिए और अब मांग रहे हैं। गोया जब हमें जो लगा इन सारी खवातीन के साथ बात करके, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है। और जहां हम केसेस के बीच में कॉम्प्रोमाइज कराते हैं कपल्स का, कॉम्प्रोमाइज शायद इसलिए होता है क्योंकि हम दोनों तरफ से बात सुनते हैं। मुझे लगता है मेल्स को लगता है औरतों के लिए जो कानून बने हैं तो हर जगह शायद औरत का ही सुनते हैं, लेकिन हमारे दफ्तर में हम लोग दोनों का सुनते हैं। दोनों का नहीं सुनेंगे तो शायद उन दोनों के बीच में सुलह नहीं होगी। दोनों का सुनना बहुत जरूरी है, तभी तो हम लोग कामयाब होते हैं उनको एक करने में। अगर हम एज ग्रुप की बात करेंगे 35 से लेकर 60 साल की उम्र तक, मुझे लगता है इस एज ग्रुप में औरत के साथ तशद्दुद तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ज्यादातर तशद्दुद इसमें जो होता है वो है मर्दों का आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप्स। घर में औरत है, शादी है, बच्चे हो गए, बच्चे स्कूल जाने लगे, कुछ के कॉलेज भी जाने लगे, फिर भी उनको बाहर एक रिश्ता रखना है, और वही घर पे मोबाइल फोन से, इसी की वजह से ऑब्वियसली उसकी बीवी को भी पता चल जाता है कि जो मेरा हस्बैंड है उसका बाहर कोई रिश्ता चल रहा है, और उसी की वजह से वो औरत मेंटल टॉर्चर का शिकार होती है, जिससे वो नहीं उबर पाती है। और अगर इसकी बात करेंगे जो ये एज ग्रुप है, इसमें जो बच्चों का मेंटल हेल्थ है उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है कि बच्चे किस चीज से गुजरते हैं जब घर पे एक वायलेंस वाला माहौल हो, जब हस्बैंड एंड वाइफ आपस में गाली गलौज करते हैं। अब तो ये बहुत नॉर्मल सी बातें हो गई है हमारे घरों में। जब गाली गलौज की बात होती है तो बच्चों पे क्या असर पड़ता है, एक तो है कि बच्चा सीख रहा है, लेकिन दूसरी बात यह है कि आजकल के बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं, वो लोग बाहर निकलने से फिर शर्माते हैं। हम बाहर निकलेंगे क्या पता हमारा नेबर ये बोल दे कि आपके घर में तो रात को शोर था, शोर क्यों था, उसके पास कोई जवाब नहीं होता क्योंकि वो ये नहीं बता सकता कि मेरे पेरेंट्स आपस में लड़ रहे थे। तो बेहतर है कि आप उन बच्चों का ध्यान रखें। हर एक घर में झगड़ा होता है छोटी छोटी बातों पर बेहतर है कि आप
अपने लेवल पे उसको ठीक करें, बच्चों के सामने गाली गलौज ना करें और बच्चों के सामने एक दूसरे को इज्जत करें ताकि वो भी वही चीजें सीखें। दूसरी चीज है मेंटेनेंस की। हम लोग बहुत सारे केसेस जिनको हम फ्री लीगल एड देते हैं थ्रू डालसा मजबूर हो जाते हैं क्योंकि मर्द जो है औरत को महाना खर्चा देने से मना करते हैं। जायज अखराजात कुछ केसेस में पूरे होते हैं, जहां नहीं होते हैं वहां हम लोग महाना खर्चा मांग लेते हैं और उनको लगता है कि हम अपनी बीवियों को तनख्वाह दे रहे हैं जबकि ऐसा नहीं है। और एक बात है जहां हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं इस एज ग्रुप में ज्यादा, और अगर हम 7 साल और 60 साल के ऊपर की बात करेंगे हमारे पास 10 केसेस रजिस्टर हुए हैं जिनकी एज लगभग 70-80 साल की है। ऐसी खवातीन भी हमारे पास आए हैं, उन्होंने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पे ही उनकी बात है कि अब तो एज हो गई, बच्चे भी सेटल हो गए, लेकिन अब तुम जी मायके वालों से हिस्सा लो, मायके वाले नहीं देंगे तो फिर उसको टॉर्चर होना शुरू हो जाता है, तब तक वापस नहीं आना जब तक अपना हिस्सा नहीं लेके आओगे। वक्त की कमी है तो मैं यहाँ एक शेर के साथ खत्म करना चाहूंगी। शायद जमाना बना खाना मेरे लिए, शायद जमाना बना खाना मेरे लिए, मैंने फिर भी सवा सवा की उम्र गुजार दी, कभी बेटी बनकर कभी बीवी बनकर कभी माँ और कभी बहू बनकर, समाज के हर एक उधार के बदले हर एक की किस्मत सुधारी। शुक्रिया।